ओके तो न्यू ईयर आने वाला है, 2019 खत्म हो गया है एंड वी रियली कांट बिलीव इट कि 2020 आ गया है. तो मैंने सोचा कि एक मैं सीरीज स्टार्ट करूं, नॉट सीरीज एग्जैक्टली, मैं 5 to 6 वीडियोस लाऊंगी. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 25th दिसंबर टिल 31st दिसंबर. यू विल गेट 6 वीडियोस डेली. अब मेरे को आपसे ये जानना है कि ये फर्स्ट वीडियो रहेगा जो मैं 25th को डालूंगी, तो आप मुझे ये बताना कि आपको वीडियोज एवरी डे फॉर 6 डेज 11 AM IST में चाहिए या आपको इवनिंग में नियरली 8 o'clock चाहिए. इससे मुझे इजी रहेगा और मैं वो सारे वीडियोस उस टाइम पे शेड्यूल कर दूंगी. तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग किस टाइम ये वीडियो प्रेफर करेंगे. फॉर 6 डेज दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियोस. इसमें फैशन, हेल्दी लिविंग एंड एवरीथिंग, आप 2020 कैसे अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो. और कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट भी है फॉर कंप्लीटिंग 1000 सब्सक्राइबर. सो या लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. हाय, वेलकम टू माय चैनल. आई एम स्वप्निल. इफ यू आर न्यू एंड यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंटरनेट, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग. एंड आई मेक ऑल काइंड ऑफ फैशन, स्टाइलिंग, मेकअप, हेल्दी लिविंग वीडियोज एंड I'm really, really enjoying making these videos. So I hope you join my family. So mostly I always talk about fashion and styling. कि आप कैसे fashionable लग सकते हो, कैसे stylish लग सकते हो. ये video भी इसलिए है कि आप कैसे attractive लग सकते हो. बिल्कुल. लेकिन it has nothing to do with your looks. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ looks हैं जो किसी को अट्रैक्टिव बनाने में काम आता है. नहीं, आई डोंट थिंक सो. बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी को अट्रैक्टिव बना सकती हैं, जो हम कई बार उस पर भी डोंट पे अटेंशन इनफ. इसलिए मैं ये वीडियो आज से स्टार्ट करना चाह रही थी ताकि हम अब न्यू ईयर में जा रहे हैं, वी कैन ऑल स्टार्ट फ्रेश एंड यू नो वी कैन आई थिंक वी शुड हैव दीज क्वालिटीज टू लुक अट्रैक्टिव. फर्स्ट क्वालिटी इज डोंट गॉसिप. आई नो ये बोलना बहुत आसान है, लोग गॉसिप करते ही हैं और मोस्टली लड़कियां इस चीज़ों में बहुत 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 माहिर होती हैं. दे डू लाइक टू गॉसिप, दे डू लाइक टू टॉक बिहाइंड अदर्स बैक. लेकिन इट रियली डजेंट मेक यू अट्रैक्टिव. इट रियली आई डोंट नो, इट मेक्स यू लुक लाइक you really don't you're not respecting other people. And I feel like agar aap kabhi kisi aur ke samne gossip kar rahe ho, aap definitely wo person ho jo fir jab aapka ye friend chala jayega aap uske bare mein bhi gossip karoge. ye quality hai jo aapko bahut bahut zyada degrade kar deti hai. to main hamesha yahi prefer karti hu ki main kisi bhi drama se dur rahu, kisi bhi gossip situation se dur rahu. mujhe wo pasand hai, ye meri personal choice hai. lekin agar aap bhi apne life mein thoda ek positive influence ya positive change lana chahte ho, please 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 stay away from gossip. isse kabhi kisi ka koi fayda nahi hota hai. har insaan acha bhi hai, bura bhi hai, uske andar har क्वालिटी भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. बट आई थिंक यू शुड रियली स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप. इवन इट इज़ गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर अगर आप ज़्यादा किसी और के बारे में बुरा बोलते हो या गॉसिप करते हो, इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स ऑन यू कि आप कैसे हो. इसलिए प्लीज़ इफ़ यू कैन स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप. ऑब्वियसली आप फ्रेंड्स मिलते हो और अपन मस्ती में कुछ बातें करना चाहते हैं कभी कभी, लेकिन वही बातें बहुत बढ़ जाती हैं. तो इट्स रियली रियली गुड प्रैक्टिस टू नॉट गॉसिप एट ऑल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्टॉप बीइंग नेगेटिव. कई बार सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती है, लेकिन हम उस कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं या हम ऐसा सोच लेते हैं कि अच्छा अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तब हम क्या करेंगे. और ये मेरे पर बहुत अच्छे से फिट होता है, कई बार मैं ऐसा बहुत ज़्यादा करती हूँ. इसलिए मुझे लगता है कि अगर कुछ क्वालिटीज़ हमें 2020 में अपनाना चाहिए तो वो ये बिल्कुल वन ऑफ द क्वालिटी रहेगा कि वी शुड स्टॉप बीइंग नेगेटिव. पॉजिटिव सोचने से ही लाइफ में पॉजिटिव होगा. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचोगे और पॉजिटिव हो जाएगा. नहीं, यू हैव टू रियली बिलीव कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा. तो आई गेस मैनिफेस्टेशन नाम की एक चीज़ होती है, अगर आपने द सीक्रेट देखा है. अगर नहीं देखा है तो आप YouTube में द सीक्रेट करके सर्च कर सकते हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट. मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं जब
मैंने जब जॉब ज्वाइन किया था मैंने तब ये देखा था, मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा था. सो इफ़ यू फील लाइक कि ये एक क्वालिटी आप अपने आप अंदर डाल के आप बेटर हो सकते हैं तो ज़रूर मुझे लगता है. और ये एक चीज़ है जो आपको अनअट्रैक्टिव बनाता है. इफ़ यू आर ऑलवेज नेगेटिव, इफ़ यू आर ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव, इफ़ यू आर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट अदर पीपल और अबाउट सिचुएशंस, ट्राई टू थिंक पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, क्योंकि सच में हर सिचुएशन से पॉजिटिव निकाला जा सकता है, ट्रस्ट मी. सो या बीइंग नेगेटिव मेक्स यू वेरी अनअट्रैक्टिव. और चीज़ जो मैं हमेशा बहुत लोगों में देखती हूँ कि दे कंपेयर देम सेल्फ विथ अदर पीपल, और ये एक बहुत ही अनअट्रैक्टिव क्वालिटी है. अगर आप अट्रैक्टिव रहना चाहते हो, एंड इट्स नॉट अबाउट अट्रैक्टिव, आप ये सोचो कि अगर आप किसी भी और से कंपेयर कर रहे हो, यू आर डिग्रेडिंग योर सेल्फ. क्या ज़रूरत है किसी से भी कंपेयर करने का? हर इंसान की लाइफ अलग है, हर इंसान का स्टोरी अलग है, हर इंसान का स्टोरी का पेस अलग है. आपको भी हर चीज़ मिलेगा अपने पेस पे, उन्हें हर चीज़ मिल रहा है अपने पेस पे. और ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि यूनिवर्स हर चीज़ को बैलेंस करता है. तो या आई रियली डोंट थिंक यू शुड कंपेयर योर सेल्फ. आई एम नॉट श्योर कि मैं अपनी बातें बहुत अच्छे से बता पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन दीज आर द फोर, आई गेस देर आर फाइव पॉइंट्स विच आई रियली स्ट्रांगली बिलीव इन माई सेल्फ. और मैं बहुत स्ट्रांगली इन चीज़ों को फॉलो करने का ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ों से दूर रहूँ, मैं ऐसी चीज़ें ना करूँ. इससे लॉन्ग टर्म में आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि नेगेटिव होके, दूसरों से कंपेयर करके, दूसरों से जेलस होके, आप सिर्फ अपना हेल्थ, अपना मूड, अपना एनवायरनमेंट, अपना मेंटल हेल्थ सब खराब करते हो. सामने वाले का कुछ नहीं होता है. इसलिए प्लीज़ 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 इफ़ यू डू कंपेयर योर सेल्फ विथ समवन एल्स, दैट्स अ वेरी वेरी बैड हैबिट एंड दैट्स वेरी अनअट्रैक्टिव. स्टॉप डूइंग दैट. और आजकल इंटरनेट के ज़माने में ऐसा हो गया है कि इट्स वेरी ईजी टू कंपेयर समवंस लाइफ विथ आर्स. लेकिन ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि जो भी लोग फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, वो एक्चुअली अपने सारे हैप्पी मोमेंट्स का डाल रहे हैं. आपके भी लाइफ में डेफिनेटली हैप्पी मोमेंट्स आते होंगे. कोई भी अपने झगड़े का, अपने डाउनफॉल का, अपने फेलियर का कोई फोटो नहीं डालता है, कोई उस चीज़ को शेयर नहीं करता है. तो आप किसी के सबसे टॉप और हैप्पीएस्ट मोमेंट को अपने लो फेस से कंपेयर मत करिए. दैट इज़ रियली नॉट हेल्पफुल इन एनी वे. सो आई होप आई गेट दिस पॉइंट अक्रॉस रियली वेल. एंड या प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन. यू आर रियली यूनिकली यू, यू कैन नेवर बी समवन एल्स. वैसे भी अगर आप कंपेयर कर भी लो, जो क्वालिटीज़ मेरे अंदर है वो मेरे ही अंदर रहेगी. मैं सोचूँ कि मुझे इसकी क्वालिटी मिल जाए, हम ट्राई कर सकते हैं, हम लोगों से इंस्पिरेशन ज़रूर ले सकते हैं, जो लेना भी चाहिए. लेकिन हम ब्लंटली अगर हम ये सोचें कि नहीं, लेकिन हम ब्लंटली किसी से कंपैरिजन करें, रियली हर इंसान अपने आप में बहुत यूनिक है और बहुत बहुत प्रीशियस है. तो आई जस्ट थिंक इफ़ यू वॉन्ट टू लुक अट्रैक्टिव, इफ़ यू वॉन्ट टू फील अट्रैक्टिव, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ एनी वन. नेक्स्ट पॉइंट इज वी समटाइम्स डोंट रियलाइज बट वी स्पीक वेरी रूडली विथ सम पीपल. सो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आपसे हो सके, जितना भी हो सके, लोगों से पोलाइटली बात कीजिए. मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में बड़ी सी बड़ी चीज़, बड़ी से बड़ी जंग प्यार से एक्चुअली लड़ी जा सकती है, जीती जा सकती है. लेकिन कभी भी फाइट करके या रूडली बात करके आप वैसे भी कोई पॉइंट को अपने प्रूफ नहीं कर पाओगे और उस बात का कोई सेंस नहीं है. सो अगर आपसे हो सके, प्लीज़ लोगों से पोलाइटली बात कीजिए. आपके बात करने में जो पावर है वो एक्चुअली किसी चीज़ में नहीं है, और आपके बात करने के ढंग से ही लोग इम्प्रेस हो जाते हैं. और दैट मेक्स यू रियली अट्रैक्टिव अगर आप किसी से पोलाइटली बात करते हैं. Polite, being humble and being polite is something you should really crave for. I think you should really, really crave for that quality. If you don't have right now, try to build, try to inherit those qualities. आपके surrounding में ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो लोगों से बहुत politely बात करते होंगे, be it any situation. I really feel कि उन लोगों से वो qualities लेना चाहिए. और you should be humble, you should be polite,
like you should talk to people politely, and that is the fourth quality which you should have. And like you should just if you talk to people in a rude manner, just stop and think before you speak. And the next point is which I feel people often neglect. Please take some time for yourself. Take some time for self-love. कई बार मदर्स के साथ मोस्टली ऐसा होता है कि दे फील लाइक कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती क्योंकि उनको अपने बेबी का भी ख्याल रखना है, ऑफिस भी जाना है और घर का भी ख्याल रखना है. वो सब कुछ करना है आपको, डेफिनेटली करना है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप अपने लिए, अपने अपने पीस के लिए थोड़ा टाइम निकालिए. मदर गिल्ट रियली में ऐसा होता है, अपन को लगता है कि यार मैं ये कर रही हूँ, अच्छा अपने बेबी के साथ रहती. बिल्कुल आप उसके लिए भी टाइम निकालिए, लेकिन अपने लिए आपको टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप यहाँ से शांत नहीं रहेंगे आप सामने वाले लोगों के साथ भी अच्छे से नहीं रह पाएंगे. सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी सेन एंड गिव लव टू अदर्स, यू हैव टू फर्स्ट लव योर सेल्फ. यू हैव टू लर्न हाउ टू लव योर सेल्फ. हमारे स्कूल में, कॉलेज में, करिकुलम में कहीं भी सेल्फ लव जैसा कोई टॉपिक नहीं है और कहीं भी लोग ये सिखाते ही नहीं है कि अपने लिए टाइम निकालना भी कितना ज़रूरी है. तो आई गेस, और अभी के टाइम में जब चीज़ें इतनी बिजी हो गई हैं, इतना टफ हो गया है सब कुछ, आई थिंक अगर आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं निकालिए. आपको जो भी करना अच्छा लगता है आप उस टाइम वो कीजिए, वो टाइम से आप अपने लिए रखिए. एंड आई थिंक अगर आप ये क्वालिटीज़ को अपनाएंगे, यू विल बिकम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, यू विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव पर्सन. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू इन एनी वेज. आई नो ये फैशन वीडियो तो नहीं है, लेकिन इन अ वे ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ज़रूर ज़रूर उभारेगा. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग. एंड या दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो फॉर 25th December, एंड 31st December यू आर गोइंग टू गेट वीडियोज एवरी डे. टाइमिंग आपको मुझे कमेंट में बताना है. डू यू वॉन्ट एट 11 AM IST और डू यू वॉन्ट एट 8 PM IST, वॉट एवर सूट्स यू गाइज. एंड टिल देन बाय. इसका ये पॉइंट नहीं है, ये आई एम सॉरी, कट दिस आउट, कट दिस आउट.